आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी चीज और एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो शायद आज तक आपने नहीं देखी होगी। जो आपका पुराना सीआरटी टीवी था, जिसे हम कलर टेलीविजन भी कहा करते थे, उसके साथ में मैं आपको यहाँ पर मोबाइल कनेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया, पूरी विधि बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। मेरा नाम है संचू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। एक छोटी सी प्रार्थना है आप लोगों से कि यार फटाफट से यार चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 95% लोग जो है हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने सीआरटी टीवी के साथ में अपने मोबाइल को कैसे कनेक्ट करना है, पूरी विधि मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मेरा जो कलर टेलीविजन है इस समय, ये जो है ओल्ड मॉडल है, यानी कि बहुत पुराना टीवी है, तो इसलिए थोड़ा खराब हो गया, ये ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन जैसे ही मुझे कोई दूसरा टेलीविजन मिलेगा, कोई पुराना, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये मैंने खुद अजमाया इस टेलीविजन में, पहले भी मैं कर चुका हूँ, क्योंकि जब मेरे पास ये टेलीविजन था उस समय मैं किया करता था ऐसा काम। लेकिन आज जो है ये खराब हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा करके दिखा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ पूरी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा, क्योंकि अगर आपके पास होगा तो आराम से आप कर पाएंगे उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल को इस सीआरटी टीवी से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरह की एक होम थिएटर जैसी लीड चाहिए, जिसका एक पॉइंट जो होगा वो 3.5 mm का होगा, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो आरसी केबल का आउटपुट होगा। तो इस तरह की लीड आपको चाहिए होगी, अगर आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके आप खरीद पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करके क्या करेंगे, इसमें जो भी मोबाइल में सॉन्ग है हमारे, उन सभी का आनंद इसके स्पीकर पे ले पाएंगे, यानी इसमें हम अपने सॉन्ग को बजा पाएंगे। तो अब देखिए क्या करना है आपको, आपको तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक का इनपुट आपको मिल जाता है, सॉकेट मिल जाता है। तो इस सॉकेट में आपको क्या करना है, इस पिन को आराम से यहाँ पर फिट कर देना है। ये हो गया आपका मोबाइल के कनेक्शन। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको अपने टेलीविजन को सबसे पहले तो AB मोड पे डालना है, ठीक है दोस्तों। किस पे डालना है, AB मोड पे, याद रखना। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो उसके बाद एक AB मोड को सिलेक्ट करने का आता है ऑप्शन, ऑडियो वीडियो मोड को, और एक जो होता है वो एंटीने का होता है, जो पुराने दूरदर्शन वाले जो चैनल चला करते थे उस मोड को सिलेक्ट करने का होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, AB मोड को सिलेक्ट कर लेना है। AB मोड को सिलेक्ट करने के बाद होता क्या है कि आपकी ये वाली जो पिने हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो RCA केबल की फीमेल पिंस जो होती हैं, ये वाली, ये इनपुट जो होते हैं आपके, ये यहाँ पर इनेबल हो जाते हैं। जैसे आप AB मोड पर इसे डालते हैं तो ये जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये इनपुट हैं, ये आउटपुट तो है नहीं, ये इनपुट है, यानी आप जो भी इसमें दोगे वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे DVD प्लेयर को हम कनेक्ट करते थे ना यहाँ पर, तो उसमें वीडियो भी देते थे और ऑडियो भी देते थे, तो वीडियो देते थे तो पिक्चर पे दिखाई देता था, ऑडियो देते थे तो यहाँ पर सुनाई देता था। तो उसी तरीके से, उसी क्रिया विधि को अपनाते हुए मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अब क्या करना है आपको, सिंपली ये जो दो पिने हैं आपको क्या करना है, इनमें से एक पिन आपको लेनी है, एक पिन, ठीक है दोस्तों। कौन सी, एक पिन, और चाहो तो आप दोनों भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको ये जो येलो वाला आपको दिखाई दे रहा है ये इनपुट, ये जो है वीडियो का इनपुट है, तो इस पर तो आप पिन लगाएंगे तो आपकी काम करने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो आपकी ऑडियो की पिन है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, ऑडियो का R राइट हैंड स्पीकर होता है और ये लेफ्ट हैंड स्पीकर होता है ऑडियो का, तो ऑडियो R और L आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको तो ऑडियो सुनना है केवल, वीडियो से कोई मतलब नहीं है, तो आपको ऑडियो वाले सेक्शन पे इस तरीके से लगा देना है दोनों पिनों को, राइट स्पीकर और लेफ्ट स्पीकर। अब आप कोई भी सॉन्ग इसमें बजाएंगे, जैसे ही आप प्ले करेंगे वो सारा का सारा सॉन्ग जो है आपके टीवी में यहाँ पर स्पीकर्स पे सुनाई देगा। तो हो गया ना, आपका मोबाइल जो है कनेक्ट हो गया ना पूरी तरीके से आपके टीवी के साथ। तो दोस्तों यहाँ ऐसे करके आप अपने टीवी को एक होम थिएटर की तरह यूज कर सकते हैं, एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, और पुराने पड़े टीवी को आप यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़े ही कमाल का काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।